हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटी क्लासेस। आज हम डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में समझेंगे, तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करें। आर प्लैनेट अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। तो जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत ही अच्छी प्लैनेट है। जो हमारी अर्थ है वो क्या है, वो यूनिक प्लैनेट है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज ऑल दोज थिंग दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन इट। तो इट has all those things that make life possible on it। तो ये एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ऑल दोज थिंग, इसमें सभी थिंग जो होती हैं उनके लिए लाइफ पॉसिबल होती है। मतलब जो हमारा अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। स्फीयर के बारे में समझें, तो चलिए आइए हम लिथोस्फीयर के बारे में समझें। The solid part of the earth is called the lithosphere। अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है कि द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ is called the lithosphere। It's the crust has two main divisions। तो जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के कितने डिवीजन होते हैं, टू डिवीजन्स होते हैं, दो होते हैं, ऐसे दो होते हैं। पहला होता है द थिक लेयर विच मेक द कंटिनेंट। थिक लेयर जो क्या करती है, कंटिनेंट को बनाती है, कंटिनेंट। तो क्या होती है, द थिक लेयर, द थिक लेयर विच मेक कॉन्टिनेंट। तो जो थिक लेयर जो कॉन्टिनेंट को क्या करती है, बनाती है, मेक करती है। एंड सेकेंड वाली है द थिन लेयर विच इज प्रेजेंट अंडर द ओशियन। वो प्रेजेंट करती है ओशियन को। तो द थिन लेयर विच प्रेजेंट under the ocean।
चलिए आइए अब हम क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर समझें। तो द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। जो क्रस्ट होता है, जो जो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है, हम उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट, तो क्रस्ट के बिलो, बिलो मींस नीचे, क्रस्ट के नीचे क्या आता है, मेंटल कोर आता है। एंड बिलो द मेंटल इज द आउटर कोर विच इज लिक्विड। तो मेंटल के नीचे आता है आउटर कोर विच इज लिक्विड। बिलो इट लाइज द इनर कोर। आउटर कोर के बिलो में आता है इनर कोर, तो इनर कोर विच इज सॉलिड ड्यू टू द ओवरलाइंग प्रेशर ऑफ द आउटर कोर, मेंटल एंड द क्रस्ट। द सेवन लार्ज कॉन्टिनेंट मेक अप द क्रस्ट। जो सेवन लार्ज कॉन्टिनेंट होती हैं, जो कॉन्टिनेंट होती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो क्रस्ट को बनाती हैं, वो मेक अप करती हैं क्रस्ट को। दे आर सेपरेटेड बाय ह्यूज बॉडी। तो ये सेपरेट हो जाते हैं वाटर बॉडीज। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ लिथोस्फीयर इज द माउंट एवरेस्ट विच इज 8,850 मीटर हाई। तो आज हमने क्या समझा, डोमेन्स ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर में। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।